हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सीक्वेंस। और मैं आप लोगों का दोस्त अंशुल, और आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे पास कई सारे वीडियोस होते हैं और बहुत ही हैवी होते हैं, मतलब उनका जो फाइल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मान लीजिए 1 GB, 2 GB, 4 GB, मतलब डिपेंड करता है कि वीडियो के अंदर कंटेंट कितना है। और कई बार ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कई जगह पे कि हम लोग कंप्रेस करके ही अपने वीडियोस को वहाँ पर डाल सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से हम वीडियो को कंप्रेस करें बिना उसकी ओरिजिनल क्वालिटी को लूज़ किए, और एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कंप्रेस करें बिना उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम किए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर है या एक वेबसाइट है जहां पर हम बहुत इजीली इन कामों को कर सकते हैं, और किसी भी वीडियो को, किसी भी साइज़ की वीडियो को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने में। तो मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर जाके हम ईज़िली इसको ढूँढ सकते हैं। तो सिंपली अब देखिए, मैंने यहाँ पर गूगल का जो सर्च बॉक्स है वो ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक टाइप करते ही आप देखिए, सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी वो handbrake.fr। हमें ध्यान रखना है कि हमें ये वाली वेबसाइट को ही ओपन करना है, तो हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। देखिए मैं इसको ओपन करूँगा। ये हमसे बोलेगा कि एक सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है जो कंपैटिबल है विंडोज 7, विंडोज 8.1 एंड 10, ठीक है। और अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी ये काम करता है, मैक ओएस के अंदर, लिनक्स के अंदर, और बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर ये काम करता है। तो फिलहाल हमें अभी जो डाउनलोड करना है वो करना है विंडोज़ 10 के लिए। तो मैं अब यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट वाले पे क्लिक करूँगा, और आप देखिए नीचे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 12.9 MB की एक फ़ाइल है, बहुत छोटी फाइल है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। नेक्स्ट और सिंपली इंस्टॉल एंड फिनिश। ये देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, और हमारे डेस्कटॉप के ऊपर उसका एक आइकन बन के आ गया होगा। ये देखिए हैंडब्रेक के नाम से, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस दिखेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वीडियो है उसको हम सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर के अंदर से। और अगर हम ड्रॉप नहीं करना चाहते, हम कोई सिंगल फाइल को ओपन करना चाहते, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और जो भी वीडियो मैं चाहता हूँ कंप्रेस करना उसको मैं बहुत ईजीली कंप्रेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं कंप्रेस कर लूँ, ठीक है। इसको कंप्रेस करने से पहले मैं आप लोगों को शो करूँगा कि इस वीडियो का एक्चुअल साइज़ है क्या, ताकि हमें ये पता रह सके कि कंप्रेस करने के बाद इसका साइज़ कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो दिखा रहा है 6.41 MB, ठीक है। अब हम सिंपली इसको क्लोज कर देंगे और वापस से हम उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकोडिंग भी हम कर सकते हैं, और आप देखिएगा वीडियो का जो फॉर्मेट है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, MP4, MKV और WebM। तो फिलहाल हम इसको MP4 पे रखेंगे क्योंकि बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है और सब जगह ये हमारा ईजिली काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिल्टर्स को हमने नहीं छेड़ना। वीडियो के अंदर हम जाएंगे, वीडियो के अंदर कोडेक हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है।
एमपेक 4 करना चाहते हैं, एमपेक 2, मतलब डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का कोडेक जो है उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडेक है मैं उसको रहने दूंगा। अब इसके आगे देखिए कि इसके अंदर ऑलरेडी एक क्वालिटी का बार दिया हुआ है कि किस तरह की क्वालिटी को हम कितना कम कर सकते हैं और कितना क्वालिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है 22 के ऊपर। आप ये देखिए, बाकी हम इसको आगे पीछे करके और इंक्रीज कर और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। तो मान लीजिए मैं इसको लो क्वालिटी के हिसाब से 32 पे कर देता हूँ, ठीक है। 32 पे करने के बाद ऑडियो के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, वीडियो के हम कुछ नहीं करेंगे। एक चीज़ और हमें देखनी है कि जो फ्रेम रेट है वो हमारे ओरिजिनल वीडियो का कितना है। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 30 दिखा रहा है, हम देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल वीडियो के अंदर कितना फ्रेम रेट दिखा रहा है। ये देखिए 25 FPS दिखा रहा है हमें, तो हमें ये भी वहाँ पर सेम रखना है। इसको हम 30 की जगह 25 पे सिलेक्ट करेंगे। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें इसको इनकोड करना शुरू कर देना है। और मेक श्योर कि आप अपनी जो लोकेशन है सेव कहाँ पर करना चाहते हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और मैं इसको कोई भी नाम दे दूँगा। अभी जैसे मैं दे रहा हूँ टेस्ट 1 और सेव, और सिंपली हम स्टार्ट इनकोड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इनकोडिंग इसकी चालू हो गई है। अब डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना बड़ा है। अगर आपका वीडियो 1 मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट का है तो उतना ही वो टाइम इनकोडिंग में लेगा। जैसे मेरा वीडियो बहुत छोटा था, जस्ट आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैंने छोटा वीडियो यूज़ किया, तो ये कम टाइम लेगा इनकोड होने में। हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको इनकोड होने देंगे। ये देखिए अब ये पूरा वीडियो इनकोड हो चुका है। अब सिंपली हम डेस्कटॉप पे जाएंगे जहाँ पर हमारा ये टेस्ट 1 का जो हम लोगों ने इनकोड किया था। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा 1 by 1 जो हमारा ओरिजिनल वीडियो है और जो हमारा कंप्रेस्ड वीडियो है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल वीडियो की जो कंप्रेशन वैल्यू कितनी थी और जिसको हमने कंप्रेस किया उसकी वैल्यू कितनी आई है, मतलब कितने MB का वो बन चुका है। ये देखिए 6.40 MB का जो ओरिजिनल वीडियो था, ठीक है, वो है। और 2.33 MB का जो कंप्रेस करने के बाद है, तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम इसने कंप्रेस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। पहले मैं प्ले करूँगा जो हमारा ओरिजिनल था। ये देखिए ये हमारे ओरिजिनल वीडियो की क्वालिटी है। अब मैं आप लोगों को जो कंप्रेस्ड वीडियो है उसकी क्वालिटी प्ले करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मुझे नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि दोनों में से किसकी क्वालिटी बेटर है या किसकी बेकार है। मतलब ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कंपेयर करना कि इसमें से कौन सा वीडियो जो है वो ओरिजिनल है और कौन सा कंप्रेस्ड है। तो दोस्तों देखिए, मतलब कई बार हमें जेन्युइनली ज़रूरत होती है, हमें किसी को फाइल सेंड करनी होती है या हमारी कोई कंपनी की प्रेजेंटेशन होती है या हमारा कोई स्कूल का काम होता है या कोई भी वीडियो है हम शेयर करना चाहते हैं किसी से, जस्ट टू शो देम कि हाँ हमारा वीडियो है या हमारी शोरील जो है वो कैसी बनी है। बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है स्पेस की, तो उस रिस्ट्रिक्शन को हम लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ईजिली जो है वो मतलब यूज़ कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम अपने वीडियो को कंप्रेस करके थोड़ा साइज़ उसका डाउन करके श्रिंक करके हम लोग ईजिली अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों देखिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले दिनों में मैं इसी तरीके से और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। आप लोगों से जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।